डॉक्टर अजय उपाध्याय भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, क्या इच्छा शक्ति की कमी साफ तौर पर नजर आ रही है? और अब तो देखिए 3.5 करोड़ छात्रों की नुमाइंदगी करते हुए हजारों की संख्या में छात्र जंतर मंतर पर धरने के लिए पहुंच गए। देखिए, यूपीएससी के जो परीक्षार्थी हैं उनकी भी मांग जायज है। जिस तरह से यूपीएससी को लेकर लगातार ये सरकार जो है निकामापन दिखाई है, और जिस तरह लेटरल एंट्री के तहत वैसे भी उस परीक्षा का महत्व जो था उसको कम कर दिया है। हाँ। अपने चहेतों को डालने के लिए। उत्तर प्रदेश की भी बात आप करें तो उत्तर प्रदेश में भी ये लगातार हो रहा है। भाजपा का एक अलग तरह का भ्रष्टाचार सभी जगह उभर कर आ रहा है, लेकिन दिखता कम है। अपने लोगों को भरने के लिए इंटरव्यू में भी ये बात हो रही है लगातार, अन्य एग्जाम में, चाहे वो टीचर के मामले में हो, चाहे वो लेक्चरर के मामले में हो, कई जगह भी प्रिंसिपल के मामले में कई जगह केस पर केस हुए पड़े हैं। लेकिन दावा तो ये है कि भ्रष्टाचार खत्म कर दिया गया है, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आ गई है, पहले की सरकारों की तुलना में बहुत ज्यादा। देखिए, सरकार ये सिर्फ चुनाव 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 में लगी रह रही है, लेकिन जनता को क्या चुनाव में लाभ होना चाहिए उस पर नहीं है। आम नौजवान आज बेरोजगारी के कारण दर दर भटक रहे हैं, वैसे भी नौकरी नहीं है। जानते हैं कितना, 62 लाख पद खाली है, भरने को नहीं तैयार है सरकार। थोड़े बहुत जो नौकरी आ रही है उस पर भी ये कांड हो जा रहा है, क्या करेगा वो अरविंद कुमार जैन साहब? यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आज एक मामला सामने आया, हम सब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में हरियाणा में भी दो ऐसे विषय सामने आए। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जुगाड़ होते हैं, कहीं यहाँ पेपर देकर आते हैं उसके बाद शीट चेंज हो जाती है, कहीं पहले ही पेपर लीक हो जाता है। फिर सवाल वही है जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं, आप उस सिस्टम का हिस्सा रहे, मूल समस्या क्या है सर, जिस वजह से तमाम चीजें हो रही हैं और छात्रों के भविष्य के साथ चाहे यूपी हो, चाहे हरियाणा हो या बिहार हो, हर राज्य में खिलवाड़ हो रहा है। देश के सिस्टम को करप्शन का घुन लग गया है। और समाजवादी पार्टी से नाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। नाहिद, मेरा सवाल यही था आपसे कि राजनीति से परे हटकर क्या इस बार छात्र छात्राओं के, अभ्यर्थियों के आंसू पोंछने के बारे में कोई सोचेगा क्या? कोई कड़े कदम इस तरह के जो आगे के लिए नजीर बने वो एक्सपेक्ट किए जाएं या नहीं? समीर भाई, बीजेपी तो वो पार्टी है जो 70 लाख नौकरियां देने का झूठा वादा देकर सत्ता में आई थी। ये सत्ताजीवी और वोट जीवी पार्टी है, इनको नौजवानों के आंसू से कोई लेना देना नहीं। सत्ता संरक्षण में पिछले 5 सालों से नौजवानों को मानसिक, आर्थिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। और अभी जो एडीजे लॉ एंड ऑर्डर का जिस तरह से बयान आया, उन्होंने कहा कि अब फॉर्म नहीं भरना होगा और पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये काम एडीजे लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है, ये संबंधित अधिकारी का काम है कि इस मामले में बयान दे। पुलिस का तो काम है कि जो जांच करे और जो दोषी उनको पकड़कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। लेकिन आप देखिए कि ये स्थिति आ गई आदित्यनाथ सरकार की। नहीं, हमारी कोशिश यही थी, हमने भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को भी बुलाया था, उनके प्रवक्ता को भी बुलाया था, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए हैं। वो बेहतर बता सकते थे सरकारी व्यवस्थाओं के बारे में। नहीं, मैं इस पे आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जल्दी बीजेपी के प्रवक्ता को बुलाए क्योंकि वो तो अपनी पार्टी के पक्ष रखेंगे। बेहतर हो कि आप सरकारी प्रवक्ता को बताएं तो हमें सरकार का पक्ष बेहतर मालूम चलेगा और हमारी बात भी सरकार तक बेहतर रूप से जाएगी। आप समझे, ये बात समझे कि जो पिछली सरकार में जो भर्तियां होनी थी वो अभी तक रुकी हुई है, और सरकार की भर्तियां भी अभी तक रुकी है। 540 पद सहायक लेखाकार कोषागार भर्ती के 2016 अगस्त में विज्ञापन आया, परीक्षा हुई 29 अक्टूबर को, परिणाम आया, दो बार इंटरव्यू हो गया, अभी तक अंतिम परिणाम नहीं आया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।